वी आर इंडस्ट्रियलिस्ट, हम औद्योगिक जगत से है। राजनीति अपने आप चलती रहती है, लेकिन अगर आप देखें तो आज से पहले डिफेंस ट्रैवल के सेक्टर में हमारे पास एकमात्र गजराज था, जिसके थ्रू हम हमारी जो सेनाओं की ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत थी। हमारे भारत की अगर बात करें तो हिमालय की ऊंची पहाड़ियों से लेके समंदर की गहराइयों तक, राजस्थान कच्छ के रेगिस्तान से लेके असम और नॉर्थ ईस्ट के घने जंगल तक, इतनी सारी हमारी सीमाएं हैं। सीमाएं में आर्म्स, एम्यूनेशंस और डिफेंस की सब सप्लाई, साजो सामान पहुंचाने के लिए ये जो C-295 टाटा एयरबस एयरक्राफ्ट है वो बहुत काम में लगेगा। और दुनिया के जो दूसरे छोटे छोटे देश है, जो आज नरेंद्र मोदी के आने के बाद अगर आप देखें तो 8,000 करोड़ का हमारा रोजगार इसमें कितना मिलने वाला है? अभी अगर आप ये C-295 की ही बात करें तो करीबन 8 लाख मैन अवर्स यानी कि 1 लाख मानव दिन एक एयरक्राफ्ट बनाने के लिए लगता है, और 40 एयरक्राफ्ट मेक इन इंडिया यहाँ बड़ौदा में बनेंगे। तो मतलब नहीं सिर्फ बड़ौदा, आप अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में पूरा भारत बसता है, बड़ौदा में भी पूरा भारत बसता है, तो सभी को रोजगार मिलेगा। और गुजरात एक पीसफुल इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट है, तो उसका जरूर फायदा पूरे देश को मिलेगा। आप सर एक उद्योगपति हैं, भविष्य में सर उद्योग के लिए इस सेक्टर में क्या देख रहे हैं सर? कितनी बहुत बहुत गहरी संभावनाएं हैं। भारत का अगर आप डिफेंस बजट देखें तो करीबन 4 लाख करोड़ का डिफेंस बजट, जिसमें से 3 लाख करोड़ हमारे जो सेना एयरक्राफ्ट साजो सामान इक्विपमेंट्स खरीदने में जाते हैं। कैसे रोजगार आप देंगे सर? क्या कोई भर्ती निकालेंगे आप अपने? जरूर, अगर यही एयरक्राफ्ट की बात करेंगे तो करीबन 100 MSME सेक्टर से जॉब वर्क मिलेगा, अलग अलग पार्ट्स इक्विपमेंट्स ये जो C-295 एयरक्राफ्ट के बनेंगे तो ज़रूर सबको रोजगार मिलेगा। और वोकल फॉर लोकल, मतलब ये जो जहाँ पे फैक्ट्री बनेगी उसके सराउंडिंग के 100 किलोमीटर्स के एरिया में ज़बरदस्त रोजगार बढ़ेगा, लोगों में भी टेक्नोलॉजी का इनोवेशंस बढ़ेगा और सभी का सर्वांगीण विकास होगा। बिल्कुल, ये कहा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि रोजगार की जो संभावना है बहुत जल्द इसमें विकसित होने वाली है, साथ ही हजारों रोजगार, लोकल फॉर वोकल की बात कही गई है, यानी जो व्यक्ति नजदीक रह रहे हैं उनको सबसे पहले प्रमुखता दी जाएगी। वडोदरा से कैमरा पर्सन नितिन के साथ पवन मिश्रा, News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।